हाय फ्रेंड्स, इट्स खुशबू योर. और आज मैं डिस्कस करूंगी सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में. सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है, इसके यूजेस क्या होते हैं और इंडिया में इसका रोल क्या है. सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में अगर कहूँ तो सेपरेशन ऑफ पावर जो है ये मोनार्की सिस्टम को चैलेंज करते हुए एग्जिस्ट में आया है. व्हाट इज मोनार्की? मोनार्की एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें सारे के सारे पावर सिर्फ राजा के पास ही रहते हैं या उस समय के मोनार्क के पास ही रहते हैं, यानी कि किसी और के पास किसी भी तरह का दूसरा अधिकार नहीं होता है. लेकिन उस समय के बहुत बड़े फिलोसोफर अरिस्टोटल के ध्यान में ये बात आई कि इसको अगर ब्रेक नहीं किया गया तो लगातार जो स्टेट और कंट्री है ये डिमिनिशिंग होते जाएंगे. इसलिए अरिस्टोटल के बाद लॉके और लॉके के बाद मॉन्टेस्क्यू ने, जिन्होंने अपने बुक द स्पिरिट ऑफ लॉ में इसको पूरे तरह से व्याख्यायित कर दिया है. उनका कहना है कि गवर्नमेंट हमेशा तीन पार्ट में डिवाइडेड होनी चाहिए, पहला लेजिस्लेटिव, दूसरा एग्जीक्यूटिव, तीसरा जुडिशरी. तो इस तरह से उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर को इम्प्रोवाइज किया. और बाद में उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर का काम होगा लॉ को बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम होगा उस लॉ को एग्जीक्यूट करना और जुडिशरी का काम होगा इन दोनों को चेक करना और साथ में बने हुए लॉ को चेक करना. तो हम सेपरेशन ऑफ पावर को समझने के लिए दो दृश्यों के साथ इसका एक तरह से डिस्कशन करते हैं ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए कि वॉट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. यूएसए के बारे में पहले डील करते हैं. यूएसए पहली ऐसी कंट्री है जिसने सेपरेशन ऑफ पावर को अडेप्ट किया था और आर्टिकल 1 में उन्होंने कहा कि लेजिस्लेचर का जो रोल होगा दैट इज बी गोइंग टू बी डील बाय द कांग्रेस. आर्टिकल 2 कहता है कि प्रेसिडेंट वहां के सारे एग्जीक्यूटिव रोल को परफॉर्म करेंगे और आर्टिकल 3 कहता है कि जितने भी जुडिशियल वर्क होंगे दैट इज गोइंग टू बी सबऑर्डिनेट और करेक्टेड बाय द सुप्रीम कोर्ट और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट्स. ठीक है, वहीं अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी हमने सेपरेशन ऑफ पावर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, लेजिस्लेटिव जो कि पार्लियामेंट करेगा, एग्जीक्यूटिव जो कि प्रेसिडेंट करेंगे और उसके बाद आता है जुडिशरी जिसमें हमारा रोल प्ले करेगा सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और सबऑर्डिनेट्स कोर्ट. लेकिन अगर बात करें कि व्हाट इज अ डिफरेंसेस बिटवीन द इंडियन सेपरेशन ऑफ पावर और अमेरिकन और यूएसए सेपरेशन ऑफ पावर, तो मैं आपको ये बता दूं कि अमेरिका और यूएसए जो है वो स्ट्रिक्ट सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है, जबकि इंडिया जो है वो ब्रॉड सेंस ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर को फॉलो करता है. यहाँ पे स्ट्रिक्ट और ब्रॉड से बात हमें ये समझ में आती है कि अमेरिका में और यूएसए में जहाँ ये तीनों ही पार्ट यानी कि कांग्रेस, प्रेसिडेंट और जुडिशरी कभी भी किसी भी काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं, वहीं इंडिया में बिल्कुल भी ऐसा रूल फॉलो नहीं होता है. अगर नेसेसिटी हुई और अगर ये लगा तो आप इसमें इंटरफेयर भी कर सकते हैं. एज फॉर एग्जाम्पल राज नारायण और इंदिरा गांधी के केस में अगर हम देखें तो यहाँ पे ये कह दिया गया है कि अगर ज़रूरत पड़ती है तो इस चीज़ को हम इंटरफेयर कर सकते हैं. ये भी देखा जाता है, एज फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो ये भी देखा गया है कि इम्पीचमेंट ऑफ जो जज होता है वो हमारे पार्लियामेंट से होता है, यानी जुडिशरी में लेजिस्लेटिव ने इंटरफेयर किया. और अगर हम वाइस वर्सा देखें तो जितना भी लेजिस्लेटिव लॉ होता है इसको रेक्टिफाई किया जाता है जुडिशरी द्वारा. तो ये होता है सेपरेशन ऑफ पावर. बेसिकली सेपरेशन ऑफ पावर को इसीलिए इनिशिएट किया गया है क्योंकि पावर सिंगल हैंड में कंसंट्रेट नहीं हो, क्योंकि देखा ये जाता है कि सिंगल हैंड में अगर पावर कंसंट्रेटेड है तो उसका मिसयूज़ ज़्यादा होता है. आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आई होगी. थैंक्स.